हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेकर, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों ही तरह के पोस्ट रहने वाले हैं, जिसके लिए अप्लाई ऑलरेडी स्टार्टेड है। 18th ऑफ मई से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। 16 जून इसके लिए लास्ट डेट रहेगा। और जो फॉर्म की फी है ना, जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपीज है, SC ST के लिए आपका कोई फी नहीं अप्लाइड है। तो फ्रेंड्स, अगर टोटल ये 14 टाइप के पोस्ट है, तो इन पोस्ट से रिलेटेड अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं किस किस पोस्ट के ऊपर भर्ती आई है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज की लिमिट क्या है, टोटल सीट कितना कितना रखा गया। पहला हमारा सीट है SI यानी सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए। क्वालिफिकेशन GNM होना चाहिए। एज की लिमिट 21 to 30 यानी 21 से 30 वर्ष एज की लिमिट रहेगी। टोटल 14 सीट्स इसके लिए रखा गया है। सेकेंडरी आपका ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए लैब टेक्नीशियन की भर्ती आई है। लैब टेक्नीशियन से आपने डिप्लोमा किया हो तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। 18 to 25 ईयर्स 18 से 25 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए और सीट 38 रहेगा। थर्ड है ASI फिजियो के लिए, जिन्होंने फिजियोथेरेपी से डिप्लोमा किया है, 20 वर्ष से 27 वर्ष उम्र सीमा है और 47 सीट यानी 47 सीट्स रहेंगे। फोर्थ है ASI व्हीकल मैकेनिक के लिए, डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से और मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 इयर्स रखा गया है। 3 पोस्ट रहेंगे इसके लिए आपका ASI व्हीकल मैकेनिक के लिए। फिफ्थ है कॉन्स्टेबल OTRP का, ITI होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से या फिर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्र आपका 18 वर्ष से 25 वर्ष, एक पोस्ट रहेगा। उसके बाद कॉन्स्टेबल SKT के लिए सेम ही है, ITI होना चाहिए या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस, 18 वर्ष से 25 वर्ष और एक सीट है। देखिए, कॉन्स्टेबल फीटर, कॉन्स्टेबल कारपेंटर, कॉन्स्टेबल ऑटो इलेक्ट्रिशियन, कॉन्स्टेबल व्हीकल मैकेनिक एंड कॉन्स्टेबल BSTS और अप होल्स्टर के लिए ITI रिलेटेड ट्रेड से होना चाहिए या फिर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपका 12 नंबर तक का पोस्ट है उसके लिए। 18 वर्ष से 25 वर्ष उम्र सीमा है। फीटर के लिए आपका 4 सीट है, कारपेंटर के लिए 2 है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 है, व्हीकल मैकेनिक का 2 सीट है, BSTS का 2 और अप होल्स्टर के लिए 1 सीट रहेगा। उसके बाद आपका हेड कांस्टेबल का पोस्ट है वेटनरी के लिए, जिसमें आपको 12th होना चाहिए, 12वीं में अगर आपने बायो लिया है या फिर VLDA किया है, उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष और एक पोस्ट रहेगा। लास्ट पोस्ट आपका है कांस्टेबल केनल मैन के लिए, 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का उस ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। 18 वर्ष से 25 वर्ष उम्र सीमा है, 2 पोस्ट रहेगा। अब टोटल पोस्ट को कंबाइन करके देखें तो 141 यानी 141 सीट रहने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो 10वीं पास है, ITI कर रखे हैं, विभिन्न तरह का क्वालिफिकेशन है, सभी बच्चे एलिजिबल है। चलिए आगे अब देख लेते हैं इन सभी पोस्ट के लिए सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेज से गुजरने के बाद होता है। फ्रेंड्स देखिए, पहले स्टेज पर रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा आपकी होती है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, देन स्किल टेस्ट होता है। जिस ट्रेड से आपका सिलेक्शन होगा उस ट्रेड से रिलेटेड, मान लीजिए कि आपका कारपेंटर का होगा, फिटर का होगा, तो ट्रेड से आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, देन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा एंड ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। इन एग्जाम आपका क्या होता है, 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है 100 मार्क्स के लिए। पर क्वेश्चन मिलते हैं 1 मार्क एंड टाइम विल बी 2 आवर्स यानी 2 घंटे का समय दिया जाता है। सब्जेक्ट वाइज देखें तो रीजनिंग से होंगे 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन और ट्रेड रिलेटेड आपका 60 क्वेश्चन। मोस्टली आपको ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो फिजिकल होगा, तो चलिए उसका क्राइटेरिया बता देती हूँ।
फिजिकल में सबसे पहले हाइट मीजर किया जाता है, मेल कैंडिडेट का मिनिमम 165 यानी 165 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल 76 to 81, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन खोजा गया है। वेट सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए आपका 46 यानी 46 केजी से वेट कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट को। महिला कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ होती है, 4 मिनट में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, लॉन्ग जंप 11 फीट फॉर मेल एंड 9 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, हाई जंप 3.5 फीट फॉर मेल कैंडिडेट एंड फीमेल्स के लिए 3 फीट का होगा। तो फिर फिजिकल के बाद स्किल टेस्ट, डीवी एंड मेडिकल। जॉब की अगर बात करें लोकेशन की, तो ये आपका ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत रहेगा। ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए, ये तो आप जान ही चुके होंगे। चलिए अब मैं बता देती हूँ कि आपको सर्विस के दौरान सैलरी क्या मिलेगी अलग अलग पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी सैलरी 35,400 से लेके 1,12,000 तक का रहेगा, और एएसआई की पोस्ट के लिए 29,200 से शुरुआत होती है, बढ़ा के सैलरी आपकी 92,300 यानी कि आपका 1,00,000 के करीब इसमें भी हो जाता है। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 21,700 से शुरुआत होती है और 70,000 तक सैलरी दी जाती है। आई होप कि इस पोस्ट के बारे में आप सारा डिटेल समझ गए होंगे। अब भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो बस कमेंट करिए, वहां पर आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।